तो आज मैं आपको सिंधी का नेक्स्ट स्टेप बताने जा रही हूँ। मैंने अपनी पिछली वीडियो में सिर्फ एक बॉक्स बनाना बताया था जिसमें एक छोटा सा बॉक्स बनता था, और आज की इस वीडियो में 5 बॉक्स इकट्ठे बनेंगे। 4 तो मैंने ड्रॉ कर लिए हैं, एक सेंटर में बनेगा। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा स्क्वायर बना के उसमें प्लस का साइन बना लिया है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने फिर पहले की तरह जैसे पिछली वीडियो में था, कॉर्नर छोड़ के साइड से नीडल ली है, और उसके बाद इस कॉर्नर में फिर से हमने वैसे ही करना जैसे हमने पिछली वीडियो में करा था कि हमने कॉर्नर छोड़ के ऐसे हमने इसका बेस रेडी करा था। अब हमने पहले हम एक बॉक्स बनाते थे तो यहाँ पे स्टिच को लेते थे, हमने यहाँ पे ना लेके इसको जंप कर देना लाइन को और हमने इधर चले जाना है। बस हमारा ये बेस अगर अच्छे से बन गया तो हमारा ऊपर से हमें थ्रेड को घुमाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अदरवाइज़ अगर ये एक भी हमारा यहाँ से बेस का एक भी स्टिच हमने गलत ले लिया तो हमारा आगे ऊपर हम जो थ्रेड घुमाते हैं उसमें हमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ये इस तरीके से हुआ। उसके बाद फिर सेम हमने यहाँ से लेके ये ऐसे लिया। अब हमने ये वाला बॉक्स तो जंप कर लिया था, अब हमने इसको कंप्लीट करना है। ये हमारे 4 थ्रेड हैं, तो अब हमने हर तरीके से ये हमारा हर साइड से एक अप एक डाउन है, लेकिन यहाँ पे हमारे ये 2 थ्रेड हैं, यहाँ से ये ऊपर है और ये नीचे है इसके, तो हमने इसको नीचे रख देना है और इसके हमने नीचे से लेके इसको ऊपर उठा देना है। तो हमारा ये एक बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हमने नेक्स्ट वाले में इसके पैरेलल जाके स्ट्रेट हमने नेक्स्ट वाले में जंप कर लिया। देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया। अब हमने फिर इसको कंप्लीट कर लेना है। ये वाले बॉक्स को कंप्लीट करने के बाद हम नेक्स्ट वाले में फिर देन उसके बाद फिर जंप। फिर यहाँ पे ये हमारे ये 2 हो गए हैं। अब इसके हमने नीचे से लेना है और इसके ऊपर से लिया और इसमें हमने जंप कर दिया। अब ये हमारा 3rd बॉक्स चल रहा है, 3rd बॉक्स चल रहा है, और ये फिर हमारे ये 2 थ्रेड हो गए इस बॉक्स के भी। हमने इसके फर्स्ट वाला छोड़ के नेक्स्ट वाले के हमने नीचे से ले लेना है। अब हमने जिस बॉक्स से स्टार्ट करा था हम उसी बॉक्स में आ गए हैं। अब ये इसमें भी ऐसे लेके ये हमारा लास्ट आ गया है यहाँ पे, और फिर इसके भी हमने नीचे से, और ये हमारा बेस इस तरीके से हमारा ये रेडी हो गया। तो अब हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब बेस हमारा हो गया, अब हम स्टार्ट करेंगे इसके ऊपर का जो हमने थ्रेड इसके अंदर घुमाना है। जहाँ से हमारा ख़त्म हुआ उसी के बीच में से पहले की तरह हमने उठाया निकाल लिया, और अब ये हमारा इधर से थ्रेड हमारा ऊपर है तो हमने इधर को ही घुमाना है। अब एक हम एक के ऊपर से एक के नीचे से, मैं लूज़ लूज़ करके बताऊँगी आपको, और उसके बाद फिर हमने एक के ऊपर से और एक के नीचे से हमारा थ्रेड इधर को घूम जाएगा। फिर हमने ये एक के ऊपर से और एक के नीचे से इधर को चला गया, हमारा राउंड में आ गया। अब हमने दूसरे बॉक्स में जब हमने जंप करना है तो हमने ये इसके नीचे से लिया, तो इस वाले थ्रेड के हमने ऊपर से लेना है और इसके नीचे से लेना है। उसके बाद हमने ये इसके नीचे से लिया तो इसके ऊपर से और इधर को हमारा ये टर्न कर जाएगा। अब हमारा ये दूसरे बॉक्स में आ गया। फिर से हमने इसके नीचे से लिया तो इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे से इसके ऊपर से, ऐसे हमने एक के ऊपर एक के नीचे से ऐसे थ्रेड को हमने निकालना है। ये हमारा ये वाला कॉर्नर पूरा हो जाएगा। पहला वाला बॉक्स हमने आधा करके दूसरे में हमने जंप करा, लेकिन हमने ये वाला बॉक्स जो है ये हमने कंप्लीट करके फिर नेक्स्ट वन में हमने जंप करना है। देखिए ध्यान से, एक भी एक जगह से अगर हमारा गलत हो गया तो ये हमारा कंप्लीट नहीं हो पाता, और बड़ी बाद में कन्फ्यूज़न होती है कि कैसे हम ढूंढ के कहाँ पे हमारा गलती है उसको हम ठीक करें। ये देखिए ऐसे हमारा एक कॉर्नर कंप्लीट हुआ, देन सेकंड कॉर्नर में ये चला गया, वहाँ से हमारा
अब हमने थर्ड में जाना है, तो अब ऐसे जाके फिर इधर से घूम के जाएंगे। ये हमारा साथ साथ में फिफ्थ वाला बॉक्स हमारा रेडी हो रहा है। अब हम फिफ्थ वाले में टर्न कर गए, इसके नीचे से लिया देन इसके ऊपर से, फिर इसके नीचे में। अब हम नेक्स्ट वाले में टर्न कर गए हैं, थर्ड वाला हमारा बॉक्स चल रहा है। साथ साथ में हमारा जो सेंटर में एक अलग से बनना है फिफ्थ, वो हमारा साथ साथ में ही बन रहा है, उसके लिए हमें अलग से ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये हमने एक कॉर्नर इसका थर्ड वाले का कर लिया, सेकंड कॉर्नर में आ गए। अब ये हमारा ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हमने फोर्थ वाले में जंप करना है, तो ये सेंटर वाले में फिर से हम जाएंगे। हमने जो नीचे का बेस रेडी करा था, उसमें हम कहीं से भी देखेंगे तो एक थ्रेड जो है, अगर एक जगह से ऊपर उठा हुआ है तो दूसरी जगह से वो नीचे दबा हुआ होगा। कहीं भी दो जगह से नीचे दबा हुआ नहीं होगा और कहीं भी दो जगह से ऊपर उठा हुआ नहीं होगा। और ये अब हमारा ये फोर्थ ये थर्ड वाला जो बॉक्स है बिल्कुल रेडी हो रहा है। लास्ट में हम पहुँच गए हैं, देखिए इसके नीचे से, देन अब इसके ऊपर से जाके फिर हमने इसके नीचे से ले लिया। अब इसका भी हमारा एंड है और फिर हम इसी वाले बॉक्स में से घूम, अब इसका भी एंड है, इसके बीच में से हम जाएंगे, ये लास्ट स्टेप है इसका भी। ये अब हमारे एक तरीके से देखा जाए तो हमारे ये चार हमारे ये बॉक्स रेडी हो गए हैं, लास्ट वाले में पहुंच गए। ये लास्ट कॉर्नर है हमारा, हमने जहाँ से स्टार्ट करा था हम लोग वहीं पे आ गए। और इस तरीके से देखिए ये हमारा, ये यहाँ से स्टार्ट करा था, यहीं से हमने नीडल को नीचे ले लिया। देखिए ये मैंने बहुत बड़ा बड़ा बनाया है, ये थोड़ा छोटा बनता है कि बहुत, ये बिल्कुल पास पास थ्रेड आते हैं तो ऐसे लगता है कि हमने ऊपर से पूरी बुना हुआ है। कि बैक से ही ऐसा रहेगा, जो हम नीचे का बेस रेडी करते हैं बस उसी के स्टिचेस आएंगे, बीच में हमारे कहीं पे भी स्टिच नहीं आता कपड़े। बाकी जो ऊपर हम धागा घुमाएंगे थ्रेड हमारा, वो सिर्फ ऊपर बेस में ही घूमेगा, नीचे फैब्रिक में नहीं आएगा।